हर स्टूडेंट के लिए स्टडीज के बाद का मतलब होता है कि आपको जॉब या प्लेसमेंट कैसी रहती है और क्या चीज़ मिलते हैं, क्या बेनिफिट है उस एजुकेशन को करने का या नहीं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीएमएस के बाद जॉब्स और प्लेसमेंट के रियलिटी क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि बीएमएस के बाद जॉब या प्लेसमेंट या जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं, रियलिटी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं बीएमएस में, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि बीएमएस के बाद अपॉर्चुनिटी क्या होगी, क्या स्कोप है, क्या अर्निंग होगी, क्या जॉब है, क्या प्लेसमेंट है। बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स रहे हैं, तो मैंने सोचा आज इसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो कि बीएमएस के बाद आपको अच्छी जॉब या प्लेसमेंट मिलती है नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप बीएमएस कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं, ये 5.5 साल का कोर्स है। 5.5 साल के कोर्स में आप चाहे कितने भी अच्छे कॉलेज में हों या कितने भी आप लो ग्रेड कॉलेज में हों, जहाँ पर आपको नॉर्मल एक एजुकेशन मिल रही है, आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में हैं, एजुकेशन सब में सेम होती है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो रहता है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका स्किल। अब आप यहाँ इस फील्ड में बीएमएस करने के बाद एक डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए ये नहीं होता कि क्या जॉब है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आपको नहीं मिलेंगे कंपेरेटिव टू एलोपैथिक हॉस्पिटल्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमें एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए। एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी जॉब मिलती है, वहाँ पे हर हॉस्पिटल में बीएमएस की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपके दिमाग में ये है कि बीएमएस स्टूडेंट को एमबीबीएस स्टूडेंट के बराबर सैलरी मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनिशियली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो इनिशियल सैलरी होती है वो 20 से 25 हज़ार रुपये रहती है, अगर आपको नहीं आता है या आपने वो चीज़ें सीखी नहीं है। अब आप बीएमएस कर रहे हैं, आपने आयुर्वेद के बारे में सीखा, आयुर्वेद की स्टडीज़ करी है, थोड़ा बहुत मॉडर्न के बारे में सीखा, इक्वल आप चलते हैं उसको सीखते हो, बट प्रैक्टिकल टच इतना ज़्यादा नहीं रहता है कॉलेज में। तो जैसे ही आप कॉलेज में, आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ आपको बहुत बेसिक पता है या बहुत कम नॉलेज है, तो आपको इनिशियली 20 से 25 हज़ार ही मिलते हैं। हाँ, अगर आप आयुर्वेद फील्ड में हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का आपने बहुत कुछ सीखा है, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो आयुर्वेद के हैं, वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, वहाँ पे अच्छा काम आप कर सकते हैं। या अगर आप अपनी खुद की क्लिनिक करते हैं तो और बेटर काम कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कि आप बाहर निकलेंगे, आपको जॉब मिलेगी या प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ऐसे संस्था हैं जहाँ पे आपको जॉब मिलती है, जैसे पतंजलि है, जीवा है, ये कुछ ऐसी हैं जहाँ पे बीएमएस स्टूडेंट्स को जॉब मिलती हैं, बट स्टार्टिंग सैलरी से 20 से 25 हज़ार होती है। जैसे जैसे आप सीखते हैं तब वो बढ़ती है। एग्जैक्टली हर कॉलेज में जॉब या प्लेसमेंट नहीं होती, वो चीज़ आपको खुद से करनी होगी। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जब भी आप अपने 5.5 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, इस 5.5 साल की पढ़ाई में आपको अपने पूरे एफर्ट देने, 100% एफर्ट देने हैं सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। जैसे ही आप इसको क्लियर करके निकलते हैं, आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ये जो सैलरी पैकेज है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपको आता है तो आप अपनी लाइफ को और सिक्योर कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। और नो डाउट, जब आप एक मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं और अच्छा कमाना भी चाहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप शुरू से ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और थर्सडे को वीडियो आएगी एक डिजीज़ के ऊपर, बीएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आयुर्वेद है, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। और मंडे आपको वीडियो मिलेगी बीएमएस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू।